17 साल हो गए होंगे सर, 2004 से फर्स्ट टाइम आया था। बस ऐसे ही, मुझे पता नहीं था इसके बारे में, एनएसडी के बारे में। शंकर मार्केट, यहीं पास में मार्केट है, वहाँ काम करता था मैं। तो मुझे यहाँ एक किरण मैडम हैं एक, और वो मुझे शंकर मार्केट से यहाँ लेके आई थी अपनी प्रोडक्शन के लिए। तो फर्स्ट टाइम उन्होंने ही, मैंने थिएटर देखा था, क्योंकि मैं जानता नहीं था इसके बारे में। तब मैंने काम देख के मुझे बड़ा लगा, अच्छा लगा, मतलब कि बड़ा चैलेंजिंग काम है। हर प्रोडक्शन में नया नया डिज़ाइन मिलता है। तब TI में काम किया, तो फिर यहाँ गुरचरण कौर मैडम थी, वो TI में भी देखने आई। तो उन्होंने मुझे बोला कि अगर हम बुलाएं तो आप आओगे हमारे स्कूल की प्रोडक्शन के लिए। मैंने कहा जी बिल्कुल आऊँगा। तो नेक्स्ट टाइम फिर उन्होंने मुझे बुलाया, फिर तब से मैं लगातार कंटिन्यू चल रहा हूँ। इस बीच काफ़ी प्ले किए, मतलब स्कूल के और TI के भी करता रहा, रिपट्री के भी किए बीच बीच में। तब मैं डेली वेज पे ही आता था, फिर इन्होंने मुझे कॉन्ट्रैक्ट पे यहाँ रखा। तब से मैं लगातार काम कर रहा हूँ, 17 साल हो गए। अब तो यहाँ पर एक साथ चार चार प्रोडक्शन होने लगी हैं। जब मैं आया था, जब एक प्रोडक्शन होती थी उसमें टाइम होता था और हमें अच्छा टाइम मिलता था काम करने के लिए। लेकिन अब सब चीज़ बहुत फास्ट करना पड़ता है, पर हम उसके लिए भी तैयार रहते हैं कि कोई बात नहीं, काम है तो करना है, और उसी चीज़ में मज़ा है। आप जो कॉस्ट्यूम सिलवाते हैं उसके बाद जाके देखते हैं कि वो कैसे लगा? हाँ, थोड़ा, क्योंकि जो कॉस्ट्यूम परेड होती है तब उस समय डिज़ाइनर के साथ हम रहते हैं, कोई प्रॉब्लम कुछ देख, वहीं सब कुछ फाइनल होता है। उसके बाद प्रोडक्शन देखने का भी टाइम नहीं मिलता कभी कभी तो, क्योंकि दूसरी प्रोडक्शन का काम शुरू हो जाता है। तो कॉस्ट्यूम परेड में रहते हैं, वहीं सब देख लेते हैं कि क्या कॉस्ट्यूम बना है, कैसा बना है। हम सारे काम को प्रोडक्शन की तरह ही लेके चलते हैं, क्योंकि हमारा काम तो वही है, चाहे वो प्रोडक्शन का हो, चाहे सीन वर्क का हो, चाहे डिप्लोमा का हो। तो उस हिसाब से काफ़ी काम हो जाता है। जैसे ये रोबिन दास जी के डिज़ाइन हैं, इस तरह से वो हमें ड्रॉ करके देते हैं और हमें कपड़ा देते हैं। हम उस कपड़े की कटिंग उस डिज़ाइन के ऊपर लगा कर उनको स्टिचिंग के लिए करते हैं, कटिंग करके फिर हम उनको स्टिचिंग। ऐसे डिजाइन देते हैं और आप खुद भी कटिंग करते हैं? जी हाँ, ये इसी तरीके से ड्रॉ करके दिया जाता है। यहाँ अलग अलग चीज़ों से कॉस्ट्यूम भी बनती हैं। एक बार हमने एक स्कर्ट बनाया था, जो कि बिस्लेरी की छोटी पानी की बोतल से एक स्कर्ट बनाना था, पूरी बोतल से ही स्कर्ट बनाना था। तो उसमें हमें लगा कि ये क्या है, इसमें मशीन चलेगी नहीं, सिलाई होगी नहीं, कैसे इसको बनाया जाए। तो वो काम करते करते ही हमें आइडिया भी आते हैं कि हमें अब इसके साथ क्या करना है। जैसे हमने ट्यूब के साथ एक कॉस्ट्यूम बनाया था, बस का टायर, ट्यूब का बड़ा ट्यूब चाहिए था ना, तो उसके साथ हमने एक कॉस्ट्यूम बनाया था। नारियल के छिलकों से कॉस्ट्यूम बनाया था, ये एक डिप्लोमा में बनाया था। फोम वगैरह से तो बनाते ही रहते हैं हम ज़्यादातर, मतलब पेपर का भी हमने कॉस्ट्यूम बनाया, प्लास्टिक से भी कॉस्ट्यूम बनाते हैं। वो सब है क्या मतलब? वो डिप्लोमा के थे, वो सब मतलब ख़राब हो गए वो, हाँ, क्योंकि वो कपड़ा नहीं है तो वो उसका जो है वो ख़राब हो जाते हैं। जैसे ये है, ऐसा मैं बना तो सकता हूँ, मटेरियल मिल जाए, मटेरियल पसंद कर लो, मैं बना दूँगा। मटेरियल है नहीं ना यहाँ पर? वही प्रॉब्लम है मटेरियल का ही। या कोई टावल को ऐसा कर लो, टावल भी सॉफ्ट चाहिए होगा बोलो। टावल का तो होता ही है सॉफ्ट, टावल ले लो, है क्या यार टावल? तो टावल है ना यहाँ पर, दिखा दूँ? बताना, ब्लू अच्छा लगेगा कि ये पिंक? मेरा बच्चा लड़का है।
ब्लू कर लें। चलो मैं करते हैं थोड़ा देख। ठीक है, आप सामने साथ में ही रहना क्योंकि जैसा आप फोटो दिखा रहे थे उस तरह का चाहिए ना। ठीक है चलो।